हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ट्रैकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग खुला है कि नहीं खुला। तो मैं आज ये वीडियो स्पेसिफिकली अराउंड ट्रैकिंग ही बना रहा हूँ। तो स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड, चाहे हिमाचल, चाहे कश्मीर, इवन नेपाल, गोवा, हर जगह की ट्रैकिंग मोस्टली खुल गई है। 1 अक्टूबर से जो नहीं खुली थी वो भी खुलने वाली है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप नेपाल की बात करें तो नेपाल में आप जाना चाहें तो आप मानसरोवर की तरफ जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में आपको पता होगा कि अन्नपूर्णा बेस कैंप है, अन्नपूर्णा ट्रैक है, साथ में आपका जो है एवरेस्ट बेस कैंप है। ये सारे ट्रैक्स जो है वो खुल चुके हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में खीर गंगा है, कसौल में, कसौल से आगे जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यास कुंड है, ऐसे ही आपका हमता पास ट्रैक है। साथ ही आपके जो ट्रैक्स हैं हिमाचल में मोस्टली खुलते जा रहे हैं और आप जा सकते हैं 1 अक्टूबर से। मोस्टली सबकी जो इतनी वेबसाइट्स हैं सबने बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है, ट्रैकर्स ऑफ इंडिया हो, चाहे थ्रिलोफिलिया हो, ये सब इंडिया हाइक्स वगैरह, ये सब बुकिंग्स ले रहे हैं एंड आप जा सकते हैं। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम अभी जो रह गया है वो ये रह गया है कि टूरिस्ट बसेस का, तो बसेस की प्रॉब्लम अभी ये चल रही है कि उस पर डिसीजन आना बाकी है। मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि 1 अक्टूबर या 1 वीक ऑफ अक्टूबर में खुल जाना चाहिए इंटरस्टेट बसेस की मूवमेंट फॉर हिमाचल एंड सिमिलरली फॉर उत्तराखंड एज वेल। उत्तराखंड में भी इसका सारे जितने ट्रैक्स हैं काफ़ी सारे खुल गए हैं। केदारकंठा अगर हम बात करें वो भी खुल चुका है, अगर आप जाना चाहें वैली ऑफ फ्लावर्स वो भी खुल चुका है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो रह गया है वो सिर्फ इंटरस्टेट बसेस का रह गया है। हालांकि जो ट्रैकर्स के लिए पैकेजेस बना रहे हैं वो फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली भी है या फिर देहरादून से भी आगे कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सी कंपनी से आप लेते हैं और क्या बात उनसे करते हैं। बट आपको मोस्ट लाइकली मिल जाना चाहिए। अक्टूबर में बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो खुल गए हैं, जैसे 4 धाम यात्रा जो है वो भी खुल चुकी है, आप वहाँ पे जाना चाहें वो भी जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा सिर्फ बीचेस के लिए नहीं, दूध सागर जो फॉल है वहाँ पे उसका भी एक ट्रैक जाता है, वो भी खुल गया है और वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसे ही कर्नाटका में, अरुणाचल में, सारे जितने भी ट्रैक्स हैं ऑल ओवर इंडिया मोस्टली अब सब खुल गए हैं। सारी स्टेट जो गाइडलाइंस हैं उनमें किसी में ज़्यादातर अब कोविड रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है, सब खुलता जा रहा है। और आप अगर आप जाना चाहें ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अब ट्रैकिंग जो है वो काफ़ी लोग करते हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड के 1 वीक ऑफ अक्टूबर से दी बस सर्विसेज शुड ऑल्सो इनिशिएट एंड स्टार्ट फॉर बोथ उत्तराखंड एंड हिमाचल। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक्स और टरसार मरसार जो मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स हैं, ये दोनों ट्रैक्स भी खुल गए हैं। मोस्टली इन सब की बुकिंग्स भी सब ले रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहाँ पे भी अभी इंटरस्टेट मूवमेंट, अगर आप दिल्ली से जाना चाहें, चंडीगढ़ से जाना चाहें, वहाँ पे नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं अगर अभी तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर आप फ्लाइट से जा सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, जितने भी ट्रैक्स हैं मोस्टली खुलते जा रहे हैं, आप जाना चाहें इंडिया में जा सकते हैं बिल्कुल। इवन नेपाल में भी खुल गया है। नेपाल ने जो डिसाइड किया है, मैं आपको डेट बताना भूल गया, दे आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर। आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग फॉर नेपाल पर्टिकुलरली। बाकी जो जितने भी ट्रैक्स हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, गोवा में या कश्मीर में, वो सब खुल गए हैं, आप जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना किसी इशू के। दैट्स अबाउट इट गाइज, ये सिर्फ मैं ट्रैकिंग के लिए स्पेसिफिकली बताना चाह रहा था। कुछ लोगों के, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे एंड दे वांटेड मी टू टेल समथिंग अबाउट द ट्रैकिंग पार्ट, तो मैं आपको वो पर्टिकुलरली इस वीडियो में बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। फिर अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ हो सके तो आप मुझे अपडेट कीजिएगा कॉमेंट्स में कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ वॉज द ट्रैकिंग ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ एंड एंजॉय, टेक केयर।